मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो, हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे थे हम। और आई थिंक एक ऐसा सवाल भी लिया था जहां पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रहा है विद पोजिशन। क्या ये सवाल कर लिया था बच्चों? सो इस एंड के निकालना है। अब बताओ, अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी क्या है, तो x इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए x इज इक्वल टू एल है ये, तो यहाँ पे टू लैम्डा नॉट। अगर किसी से मैं पूछूं कि ये पॉइंट, ये मीड पॉइंट है, सपोज दिस इज द मीड पॉइंट ऑफ दिस रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, मिड पॉइंट के लेफ्ट में या मिड पॉइंट के राइट में? किससे मैं पूछूं? अमृता, अमृता पवार, किधर होगा सेंटर ऑफ मास? मिड पॉइंट के राइट में। मिड पॉइंट के राइट में, बहुत बढ़िया पूजा। क्योंकि इधर मास से ज्यादा इधर कम है, इसलिए इधर होगा सेंटर ऑफ मास, है ना? मिड पॉइंट पे नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है तो मिड पॉइंट पे होता। गुड। अब एक और चीज बताते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया। अगर कोई सवाल दे दे कि इसके अबाउट है आई वन, और अगर कोई कहे कि इस एक्सिस के अबाउट है आई टू, तो आयुष मुझे बताना सिंपल सा कि ये डेंसिटी है इस एक्सिस के अबाउट आई वन, इस एक्सिस के अबाउट आई टू, आई वन और आई टू में क्या रिलेशन होगा, विच वन इज ग्रेटर और वेदर दे आर इक्वल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन ही ऑप्शन दे रहा सर। इक्वल सोच के बताना बच्चों। प्रथम अच्छा, थ्री का मतलब सी लिखा है क्या? रोहित ने सी लिखा है। सब लोग सी लिख रहे हैं ज्यादा। हर्षल महाजन, क्या बात है हर्षल, बहुत बढ़िया। अपूर्व, अथर्व, बच्चों सब लोग ज्यादातर सी क्यों लिख रहे हैं? बच्चों ध्यान से सुनना, इसके अबाउट है आई वन, इसके अबाउट है आई टू, मासेस किधर है ज्यादा? इस तरफ है। इसके लिए मासेस दूर है और इसके लिए मासेस नजदीक है। अपूर्व बताना क्या होगा? I is equal to होता है mr square for this axis, most of the masses are near about this axis, तो r कम होगा, so I2 will be less, I1 will be greater, this will be the correct answer, I think B is correct, Priya Patil ने B बताई है, अपूर्व ने B, संस्कृति ने C का गलत है, पूजा B बहुत बढ़िया, मानसी C wrong है, अथर्व, अब हर्षल महाजन करेक्ट, चलोनी रॉन्ग, लोकेशा रॉन्ग, प्रिया पाटिल करेक्ट, शन्या आई टू सिर्फ लिखी, आंसर नहीं समझा, समीक्षा रॉन्ग, अमृता रॉन्ग। बच्चों बाकी बच्चों को समझ में आया क्या? प्रथमेश तूने भी रॉन्ग ही लिखा था। प्रथमेश क्लियर? हाँ सर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज आज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जो एमए बैच के भी लेक्चर्स में सारे बच्चे अटेंड नहीं किए थे, तो ये ध्यान से देखना एमए बैच।
अच्छा टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या कहते हैं, इतना यूजफुल रहेगा और इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे जिसको अच्छे से समझना है। पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फर्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरम इज वैलिड सर। एक दूसरा थ्योरम भी बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो हर टाइप के बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड है। लेकिन ये कोई भी बॉडी हो, स्फीयर हो, प्लेनर हो, ना हो, 3D हो, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कहोगे सर ये है क्या थ्योरम? बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने कुछ कुछ एक्सिस के अबाउट डिराइव किया, कुछ रिजल्ट याद रख लिया, बट एक्सिस चेंज होता है तो फिर हम कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या हर बार मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है। तो एक बहुत ही, ये जो दोनों थ्योरम है दिस विल हेल्प कि इस एक्सिस के अबाउट बताया तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट बहुत कम टाइम में क्विकली कैसे निकालना। बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। तो ये है क्या थ्योरम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका ये एक सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स ICM है। सारे बच्चे समझना। एंड देयर इज अनदर एक्सिस, वो नाम से तुम्हें पता है कि दूसरा एक्सिस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों? फर्स्ट के अमोल पैरेलल होना चाहिए। और लेट्स इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट डी है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए निकालना है आई। इस बॉडी का मास है एम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट I इज इक्वल टू ICM इस एक्सिस के अबाउट प्लस एम डी स्क्वायर। ये डी क्या है बच्चों? दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अब ये तुम्हें पता है कि डिस्टेंस यही लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई कहेगा सर ये डिस्टेंस ले क्या, ये गलत हो जाएगा ना। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। So, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको 1 star, 2 star, 3 star, 4 star कर लो। इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा, प्रूफ है बट जरूरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसमें कंडीशन क्या हो गया बच्चों? द टू एक्सिस मस्ट बी parallel, must be parallel, ये ध्यान देना है। and one of them is passing through center of mass of the body, ये compulsory है बच्चों। और center of mass वाला इधर लिखेंगे तो इसलिए लिख दिया है ICM, यहाँ पे ऐसे याद रखना है। okay? तो इसके एप्लीकेशन देखते, देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन है। सपोज दिस इज ए डिस्क और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है, इसके एक्सिस के अबाउट। इसका मास है एम, इसका है रेडियस आर, वी नो दैट इसके अबाउट से एम। सॉरी
इसका मास इसके अबाउट है कितना आई एम आर स्क्वायर बाई टू, मुझे ना इसके अबाउट निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू a point on its circumference jitna der mein main likhu utne der mein to tum log solve kar loge point on its circumference and perpendicular to plane of the disk बहुत बढ़िया बच्चों ने तो मैसेज करके आंसर बता दिया क्या बात है लोकेश क्या होगा माइक ऑन करके बताओ 3 mR² / 2 बहुत बढ़िया बच्चों ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है ये एक्सिस के अबाउट मुझे पता है mR² / 2 प्लस एम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है mR² तो आ गया 3 mR² / 2 मैं हर बच्चों से एक एक सवाल पूछूंगा सो रेडी रहना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि क्लास में और सो रहा है आज तो मैं देखो और कम हो गए कल तो 69 थे पिछले लेक्चर में आज 65 पे टन गया इस लेक्चर में 71 तक स्टैंड था अंकित मापची तुम्हें बताना है दिस इज हॉलो स्फीयर इसके टैंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका मास एम इसका रेडियस आर अंकित मापची माइक ऑन करके आंसर देना नो सर लास्ट लेक्चर में थे क्या नहीं सर आई वाज सिक सो आई डिडंट अटेंड द क्लास अरे यार तू इतना बीमार कैसे पड़ जाता है तू पहले ही कोई बीमार था कुछ दिन पहले भी चलो कोई बात नहीं नहीं अभी पिछला लेक्चर देख लेना अंकित यस सर तो किसी और से पूछता हूँ दर्शिता जैन कितना होगा कुल 15-20 बच्चों ने मैसेज किया है योगेश तेरा शायद गलत है चेक इट ओके सर देखता बच्चों बहुत सिंपल सा मैंने कहा था इसके अबाउट कितना होता है 2/3 mR² ये याद रखना है अभी याद कर लो क्योंकि यूज करो तो याद हो जाना चाहिए इसके बाद 2/3 mR² इसके बाद निकालना है ICM प्लस MD² 2/3 mR² कैपिटल आर लिखा हूं प्लस M इंटू आर स्क्वायर सो हो गया 5/3 mR² एक रॉड है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है धनंजय इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट धनंजय चैतन्य ML square by 3 और इसके अबाउट ML square by 2
MLS का वेक्टर गुड. अच्छा मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. I दिस इज एट डिस्टेंस L अपॉन 6 फ्रॉम दिस एंड. देखते हैं कौन बच्चा सही सही सॉल्व करता है. अब बच्चों यहां पे सॉल्व करते हैं. ये पता है अभी मैंने इसके अबाउट इसलिए पूछा कि चाहते थे कि तुम लोग गलती करो. कुछ बच्चे ने किया भी होगा. और डिस्टेंस भी मैंने यहां से मेजर करके दिया. बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब समझो कि क्या इसके इसके बीच में लगा है या इसके और इसके बीच में लगा है. क्योंकि सर इसके और इसके बीच में लगाएंगे बिकॉज इसके और इसके बीच में नहीं लगा सकते बिकॉज दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है. सो वी हैव टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिटवीन दीज टू. कोई ना कोई बच्चा होगा जो गलती तो ये किया ही होगा. ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा. ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों L by 2 minus L by 6. सॉल्व कर लो 6 2L by 6 that is equal to L by 3 है ये. So इसके about I that is equal to ICM plus MD square ML square by 12 plus M L by 3 का स्क्वायर. ML स्क्वायर by 12 प्लस MD स्क्वायर सॉरी L स्क्वायर अपॉन 9. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ML स्क्वायर by 3 कॉमन ले लेते हैं. 1 by 4 प्लस 1 by 3 है ना. ये 3 और ये 4 7 7 एम एल स्क्वायर बाई 36. मैक्सिमम बच्चों ने यही जवाब दिया है. बट कुछ बच्चे गलती किए हैं. ऋतुजा विवेक शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. प्रथमेश कहाँ गड़बड़ ये किया. देव की सर वो एडिशन गलत हो गया. अदिति तेरा कोई आंसर नहीं आ रहा है. सॉल्व हो रहा है कि नहीं. अच्छा पार्टिसिपेट करो मैसेज करो तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है कुछ तो कर रहा है. और तुम्हारे आंसर से मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कितना और अच्छे समझाना है कहाँ गड़बड़ी है. नेक्स्ट है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसमें बच्चों कंडीशन है this is valid for planar object. planar में N E R होगा ना. N A R planar object that is 2D object. मतलब ये दिस इज नॉट वैलिड फॉर 3D ऑब्जेक्ट. लाइक अ स्फीयर क्यूब इटीसी. किसके लिए वैलिड होगा. डिस्क के लिए. रॉड का कोई फ्रेम रहेगा उसके लिए. प्लेट के लिए है ना. इस टाइप की चीजों के लिए वैलिड होगा. ये है क्या. दिस इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट. देखो यहां पे क्या लिखा है. परपेंडिकुलर एक्सिस. बच्चों दो एक्सिस लेते हैं. एक दो. ये सपोज एक्स एक्सिस है. ये y एक्सिस है और दोनों परपेंडिकुलर.
let x and y axis are in the plane of the body. लिखते जाओ बच्चों. In the plane of the body and perpendicular to each other. ऐसे ये रहने देते हैं, बाद में लिख देंगे. There's a third axis Z. Passes through intersection point of the two axes and perpendicular to plane of the body. अच्छा तीन एक्सिस लिया, दो नहीं तीन, दो एक्सिस उस बॉडी के प्लेन में और तीसरा एक्सिस उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर. दैट मींस एक्स के भी परपेंडिकुलर, वाई के भी परपेंडिकुलर. ये इसको यहां पे दिखा रहा हूं डॉट से. इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई इज आई वाई, और इसके अबाउट लेट्स आई जे. ऑल द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट आई जेड Ix plus Iy is equal to Iz. बच्चों ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगेन चार स्टार मार्क. ठीक विशाखा, क्या ये समझ में आया? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये दोनों बॉडी के प्लेन में और ये एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर. एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन दैट. कुछ बच्चे ऐसे गलत गलत फहमी मन में पाल लेते हैं कि द इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी सेंटर ऑफ मास. ये गलत कॉन्सेप्ट है. सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहां लिख लेना है इंटरसेक्शन पॉइंट may or may not be center of mass. May or may not be center of mass. बच्चों इसके कंडीशन समझ में आ गए? किसके लिए वैलिड है ये? प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए. नॉट वैलिड फॉर स्फीयर, नॉट वैलिड फॉर क्यूब, नॉट वैलिड फॉर कोन. देखना ये कितना यूजफुल है. सपोज दिस इज अ रिंग, विल इट बी वैलिड फॉर रिंग? यस यस. रिंग इज अ प्लेनर बॉडी, एक ही प्लेन में पूरा मास. बच्चा एक रिंग है जिसका मास है एम, रेडियस है आर, और ये यूनिफॉर्म है. अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है?
बताए मुझे, मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो सवाल लिख लो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म होना जरूरी है बच्चों। अबाउट इट्स डायमीटर, बच्चों क्या करेंगे? तो एक सवाल मैं कर रहा हूं, दूसरा मैं तुमसे पूछूंगा। सारे बच्चे तैयार है ना? किसी से भी पूछ सकता हूं। इसके अबाउट आई कितना होगा ये निकालना है। एक काम करते हैं, मैं ना इसी प्लेन में एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये फ्रॉम सिमेट्रिक कैनवस से दैट किसके अबाउट अगर आई है तो इस एक्सिस के अबाउट भी आई ही होगा, एक ही जैसा एक्सिस है। हालांकि ये एक्सिस लेंगे तो भी उसके अबाउट आई होगा, बट हमें परपेंडिकुलर लेना है, आई होगा। और ये जो एक्सिस, जो इसका एक्सिस है, ये दोनों का प्लेन, दोनों के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मुझे पता है। तो बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई इजिकल टू आई जेड। सारे बच्चे देखना, आई एक्स इजिकल टू आई, आई वाई इजिकल टू आई, और आई जेड कितना होता है? एम आर स्क्वायर, पता है आई जेड। तो यहां से आई कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाई टू। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया, 6-7 बच्चों ने मैसेज कर दिया, बहुत बढ़िया। साक्षी पाटिल, दिया, अपूर्व, योगेश सरदार, प्रथमेश, प्रिया, सबसे पहले प्रिया की। देखो अब मैं जिसको जिसको कहूंगा वो बताना, मुझे मैसेज करना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अदिति दास, ये मैसेज करना, दिस इज दिस, दिस के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अदिति दास तुझे मैसेज करना है। यशवर्धन चतुर्वेदी, मैसेज करना है तुझे। गार्गी, तुझे मैसेज करना है। काजल, कृष्णा सिंह, कुमुद पंडित, इतने बच्चों का मैसेज आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों बहुत ही सिंपल था, इसके अबाउट आई, इसके अबाउट भी आई, सिमिलर कॉन्सेप्ट था। इसके अबाउट बताया मुझे, आई इक्वल टू कितना होता है? आई जेड, आई जेड कितना है? एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क का। आई कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई फोर। अच्छा ये सब की जरूरत पड़ेगी, और इतना आसान है, इतने प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा? बच्चों 4 सवाल दिए और 5 मिनट का टाइम है, 1, 2, 3, 4। यहां पे एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, यहाँ पे एक्सिस सेंटर मास से पास कर रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर, 4 रॉड से बना हुआ फ्रेम है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, साइड लेंथ ए, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट है ये यहाँ पे। आई होप कि अब तक हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट सवाल पे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अथर्व पारेख, क्या पहला सवाल सॉल्व हुआ? यस सर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि किस एक्सिस के अबाउट हमें आता है। ये एक्सिस के अबाउट निकालना है, क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट आता है? यस, अभी अभी हमने निकाला है, तो ये ध्यान में रखना है। देखो ये रिजल्ट भी, हालांकि हमने सॉल्व किया है, बट ये आया है एम आर स्क्वायर बाई फोर आया था। कैसे निकाला था जस्ट कुछ देर पहले। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल, बहुत बढ़िया, पैरेलल एक्सिस। तो इसके अबाउट हो जाएगा बच्चों
ICM MR square by 4 plus MD square MR by 2 R by 2 का स्क्वायर है ना, क्यों हो जाएगा MR square by 2। अगर मैं पूछता कि ये एक्सिस के बॉट ये टेंजेंट कैसा है, तो ICM प्लस MD स्क्वायर दिस प्लस MR स्क्वायर करते हैं। और बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इसके अबाउट कब जरूरत पड़ेगी, व्हेन वी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सिस। बच्चों मेरे पास डिस्क तो नहीं है, देखते हैं कोई सर्कुलर प्लेट है क्या। अज्यूम करो कि दिस इज सर्कल, ये सर्कल है, और बच्चों इसको ना ऐसे हिंज कर दिया ऐसे सर्कल को, और ऐसे ये रोटेट हो क्या रहा वापस ऐसे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लगे बच्चों, ये एक्सिस के अबाउट। लेकिन सोचो कि ये डिस्क है और इसको ना, ये डिस्क है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और इसको ना मैं ऐसे छोड़ दिया ऐसे, और ऐसे ऐसे आ रहा है, तो एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस बताना कि कौन सा है, बॉडी के प्लेन में है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो उस केस में अगर हम इसका ऑसिलेशन देखना बच्चों, एकदम समझना, इतने प्यार से कोई नहीं समझाता, देखो ये डिस्क है, इफ इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, तो एक्सिस ये है, ये वाला एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर। If it oscillates like suppose यहाँ पे किया और ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक्सिस ये है, समझा क्या। मेडिकल में इतना डेप्थ में नहीं जाता है, बट फिर भी अगर हमें समझदारी अच्छे शायद थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड। सो अभी हमने ये समझ लिया, इसको अच्छे समझ लिया, जैसे ये डिस्क रहेगा और कहेगा कि इस दो पॉइंट पे हिंज कर दिया, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ये रहेगा, ऐसे ऑसिलेशन होगा तो एक्सिस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये आते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है बच्चों, कैसे करें इसको, इस एक्सिस के बॉर्ड निकालें। तो क्या करते हैं, क्या मैं एक एक रॉड का निकालूं, क्या मुझे ये रॉड इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अगर निकल गया तो इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। सो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कहोगे सर मुझे तो अब पता ही नहीं है, इसके अबाउट पता है, और फिर तुम्हें कहोगे सर ये तो पैरेलल एक्सिस तो हमें पता है, ये क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है बच्चों एल बाई टू, ये हो गया इस रॉड का इसके अबाउट, पूरे फ्रेम का चार आइडेंटिकल है, फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ क्या, एम एल स्क्वायर बाई 4 ये हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई 3 आई थिंक, और ये 4 आई होप कि ये सेकेंड सवाल सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चों आते हैं इस पे कैसे निकालें, इसमें तो एक एक रॉड का निकाल लिया, इसमें कहोगे सर मुझे ना इसके अबाउट आपने बताया है बॉडी के प्लेन में एक्सिस है कितना एम ए स्क्वायर, ऐसे ऐसे रॉड मानेंगे एम ए स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट भी तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट जो हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद कर लो। एक स्क्वायर प्लेट का उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर समीक्षा आते हैं सेकंड पे फिर से आते हैं मैं पहले ये देख लो इसको समझ लो। बच्चों भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है, दोबारा बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट एम ए स्क्वायर बाय सिक्स आया। कैसे आया? इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व पता था, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व पता था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब मान लो कि ऐसा ही एक और प्लेट ला के रख दिया, दो प्लेट ऐसे रख दिया, एक का मास है दूसरे का भी मास है। अब इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों? या मान लो एक का मास है m1, एक दूसरे का मास है m2, m a स्क्वायर बाय 6, m1 a स्क्वायर बाय 6, दूसरे का भी होगा m2 a स्क्वायर बाय 6। मान लो तीसरा भी रख दिया m3 मास का, m3 a स्क्वायर बाय 6। अब समझो ऐसे ऐसे प्लेट रखते गए रखते गए रखते गए तो ये क्या बन जाएगा? ठीक हो जाएगा बच्चों, क्यूब बन सकता है, क्यूब बन सकता है ना। इसके अबाउट क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म, दैट मींस ए स्क्वायर बाय सिक्स तो कॉमन है और एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, बट दैट मींस एम टोटल मास। तो क्यूब का भी इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय सिक्स, क्यूब वाइड रहेगा और ये अगर ए और ए है बेस तो एम ए स्क्वायर बाय सिक्स, ये हाइट इतना हो या इतना हो या इतना, डजंट मैटर, ये मैटर कर रहा। बात समझ में आई? यस सर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज सीख लिया तो सोचो आज का क्लास सफल रहा बच्चों। ये स्क्वायर प्लेट है, अभी हमने डिस्कस किया इसके अबाउट होता है एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व। देखो डॉट दे रहा हूं, डॉट दे रहा हूं, इसका मतलब ये एम ए स्क्वायर बाय सिक्स। मैं पूछूं बताओ बच्चों डायगोनल के अबाउट क्या होगा? डायगोनल के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेट? और सिर्फ कैसे निकाले डायगोनल के अबाउट? मैं कहता हूं कि चलो इसके अबाउट अगर I1 है तो एक दूसरा डायगोनल अगर लिया तो क्या इसके अबाउट भी I1 होगा? क्या सिमेट्री होगा? एक ही जैसे दोनों डायगोनल आइडेंटिकल है। एंड व्हाट इज दिस एंगल डायगोनल के बीच में एंगल स्क्वायर में? 90 डिग्री। अगर इसके अबाउट I1 है बच्चों, इसके अबाउट I1 है और इसके अबाउट मुझे पता है I1 प्लस I1, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इक्वल टू आई जेड, जेड लिख रहा हूं इसको, जेड एक्सिस आई जेड पता है मुझे एम ए स्क्वायर बाय सिक्स है। I1 सारे बच्चों को आ गया होगा आंसर एम ए स्क्वायर बाय इसके डायगोनल के अबाउट कितना आ गया बच्चों? एम ए स्क्वायर बाय 12, मतलब जितना इसके अबाउट उतना ही इसके अबाउट। क्या कंसेप्ट यूज किया वो भी क्लियर है। अब सुनना, अगर मैंने इसको ना थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस एक्सिस को ना थोड़ा सा रोटेट कर दिया, छोटा सा एंगल,
अगर इसके अबाउट सपोज I2 है बच्चों, और यहां भी एक एक्सिस है ना, इसको भी थोड़ा सा थीटा एंगल से ही रोटेट कर दिया, तो जैसा एक्सिस ये है वैसा ही एक्सिस ये है कि नहीं, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा। अब बताना I2 प्लस I2 भी IZ होगा, दैट मीन्स I2 भी अब सबको समझ में आ गया होगा, MA स्क्वायर बाय कितना होगा 12। बहुत बढ़िया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइनली, जिसके बारे में कह रहा था कि बच्चों एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर यूनिफॉर्म प्लेट, सारे बच्चे आज ये याद करके जाना, जितना इस एक्सिस के अबाउट उतना ही इस एक्सिस के अबाउट उतना ही इस एक्सिस के अबाउट, दैट मीन्स कोई भी एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन में है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सबके अबाउट एम ए स्क्वायर बाई 12। है ना, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट बच्चों आज ये भी सीख लिया ना, क्यूब वाला भी सीख लिया ना, क्यूब का कितना होता है एम ए स्क्वायर बाय 6 इसके अबाउट। अब बताना मुझे चौथा सवाल था, फोर्थ सवाल, इसके अबाउट निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके बीच में? इस कॉर्नर पॉइंट और मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया। सपोज ये आई वन है, ये I naught है which is m a square by 6, so I1 is equal to I naught plus m b square, m a square by 6 plus m, ये बच्चों कितना है a by root 2, सारे by root 2, एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2, बहुत ही आसान सा आंसर, कितना हो जाएगा ये 6 2 बाय 3 एम आर एम ए स्क्वायर, चेक कर लो। तो ये क्यूब है, इसका साइड लेंथ है ए, ये भी सपोज ए और ये भी सपोज ए। मैंने कहा इसके अबाउट कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 6। कोई पूछे इस एज के अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट है एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 3, ऐसे ऐसे प्लेट रखते जाओगे क्यूब बन जाएगा, तो उसका भी वही हो जाएगा 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर। अब समझना इसका जो हम सॉल्यूशंस किए इसके अबाउट ये, इसका एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी देख लो, कुछ बच्चों ने शायद वैसे भी किया होगा। देखो बच्चों का स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो गया, अब मैं अटेंडेंस ले लूंगा, बच्चों इसके अबाउट जो निकाला ना, इसका एक दूसरा मेथड है, इसके अबाउट लिख लिया, इसके अबाउट कितना है एम ए स्क्वायर बाय 3, पिछले क्लास में बताया था, इसके अबाउट कितना है एम ए स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस 2 एम ए स्क्वायर बाय 3। चैतन्य क्लियर?
यस सर. दूसरा मेथड भी बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना. प्रथम है सेकंड मेथड क्लियर? हाँ सर. अब देखते हैं कितने बच्चों सही सही जवाब देते हैं. अच्छा एक रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया. मैं पूछूं इसके सेंटर से पास का एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके अबाउट कितना हो जाएगा? आई गार्गी बताएगी मुझे. गार्गी डॉटेड माइक ऑन करके बोलो एक बार. अच्छा उसका तो माइक चलता नहीं. वेदांत पाटिल, वेदांत को तो फिजिक्स में मजा नहीं आता है. वेदांत पाटिल कैन यू टेल मी कितना होगा आई? कुछ बच्चों ने टाइप करके, कितना जल्दी टाइप कर लेते हो यार, तुम लोगों का टाइपिंग बड़ा फास्ट है. बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया. अपूर्व, रोहन, उससे पहले आयुष, और भी लगता है किसी ने किया. चैतन्य, गार्गी गलत आंसर था तुम्हारा. राशि लखानी बहुत बढ़िया. दिया परदेशी एक्सलेंट. प्रतीक, गौरी, साक्षी, अरे गौरी भी मैसेज करे, क्या बात है, बहुत बढ़िया गौरी. बच्चों सबसे पहले तो मैं इसके अबाउट अगर निकालूं तो इसके अबाउट हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12. इसके अबाउट हो जाएगा, ये देखो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर, एम ए स्क्वायर बाई 12. इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस बी स्क्वायर बाई 12. कर लिया. कोई बता सकता है क्या इस एक्सिस के बाद कितना होगा? आइडस डायगोनल के बाद, अगर इसके अबाउट आइडेस है बच्चों तो ये एक्सिस के अबाउट भी आइडेस होगा. या मान लो इसके अबाउट मैं आई वन कहूं और इस डायगोनल के अबाउट आई टू कहूं तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट वन. आई वन इज इक्वल टू आई टू और स्टेटमेंट टू, I1 is equal to m a square plus b square divided by 24. Option A. Both statement are correct. Both statement are correct. B. One correct. Two wrong. C, one wrong, two correct. और D, both wrong. चलो देखते हैं. प्रिया पाटिल ने बी बताया, पूर्वा ने बी बताई, साक्षी पाटिल बी, रुद्राक्ष ए, रोहन ए, शरण्या बी, प्रतीक ए, दिया परदेशी डी, आयुष यादव बी, संस्कृति बी. चलो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं हर्षल, चैतन्य. बी को ज्यादा वोट आया, मतलब सबको पता है यार. बच्चों
बी इज करेक्ट, वन करेक्ट टू रॉन्ग. देखो ये जैसा ये है वैसा ये है, देयर इज नो डाउट आइडेंटिकल है दोनों डायगोनल्स. सो आई वन इज इक्वल टू आई टू दैट इज करेक्ट. बट हम इसके इसके बीच में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते बिकॉज डायगोनल्स के एंगल 90 डिग्री नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. स्क्वायर में लगा सकते थे, मैंने बोला था. सो तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके कि आई जेड है एम ए स्क्वायर बाय एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12, तो उसका हाफ ऑफ हो जाएगा इसके अबाउट, दैट इज रॉन्ग. तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है. इसको देखना क्या होगा वो अभी रहने दो, लेकिन ये गलत है ये पता होना चाहिए. बात समझ में आ गई सबको? बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं ऐसे कि सपोज एक डिस्क था, उसमें से हाफ कट कर लिया, हाफ बचा हुआ. सारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हाफ डिस्क जिसका मास m है, इसका रेडियस r है. इस हाफ डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना है बच्चों? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर. सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास तो इससे दूर है कहीं, एंड दिस इज हाफ डिस्क. तो फिर से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कंसेप्ट होने वाला है, क्वेश्चन होने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या नहीं. मैं क्या करता हूं, जिसने काट करके ये ले गया हाफ पार्ट, उससे मांग लो ये भाई यार मुझे दे दो 2 मिनट के लिए. अगर इसका मास सेम है बच्चों तो इसका भी मास सेम हो जाएगा. अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है इसके अबाउट, तो इसका भी सिमेट्री से आई वन ही होगा. और ये दोनों डिस्क को मिला दो तो ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर हो गया. और फुल डिस्क का सेंटर के अबाउट मुझे पता है, फुल डिस्क का सेंटर के अबाउट पता है, तो आई वन प्लस आई वन ये हो गया फुल डिस्क का मास. और ये कितना होता है m, मतलब टोटल मास, टोटल मास m r स्क्वायर बाय 2, यही होता है ना. 2i1 इज 2m, ये 2m का मतलब समझ में आ रहा है, टोटल मास ऑफ द डिस्क r स्क्वायर बाय 2. अब तुम कह सकते हो सर ये 2 और 2 गया तो i1 कितना हो जाएगा, समझ में आई बात कैसे निकाला? मतलब हाफ डिस्क का भी इसके अबाउट इसका मास आर स्क्वायर बाय 2. अगर मैं कहूं कि अगर सर ये क्वार्टर हो बच्चों, अगर ये क्वार्टर ही हो, इसका भी मास सेम है, इसके अबाउट कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 ही आएगा. क्या बता सकते हो? यस सर. तो सर इसका अगर मान लो आई वन है, इसका आई वन है, तो एक और रख दिया तो इसका भी आई वन, इसका भी आई वन, इसका भी आई वन, तो क्या हो जाएगा? 4i1. 4i1 इज इक्वल टू टोटल मास 4m. चार रखा ना, 4m इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ये 4 गया. इसका मतलब क्विकली बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी लामिना है, ये थीटा एंगल भी बना रहा है, मतलब एक डिस्क का कोई भी पार्ट कट कर लो, ये वाला पार्ट, इसका मास अगर m है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों? m r स्क्वायर बाय 2. इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 स्टार मार्क. सारे बच्चे, जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं अभी, मुझे आधे घंटे में अगर क्लास नहीं है तो मुझे भेजना है.
आज का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, इफ सम मास, नहीं नहीं एक और सवाल उसके बाद बोला कॉन्सेप्ट, ये हाफ डिस्क है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ द डिस्क, ये कॉर्नर, क्या करेंगे बच्चों, कहोगे सर सेम मेथड लगाते जैसे कुछ देर पहले लगाए थे, क्या करेंगे एक और हाफ डिस्क ले आए, इसका मास सेम तो इसका भी मास सेम, अगर इसका आई आई वन तो इसका भी आई वन, तो बच्चों ये फुल डिस्क बन गया, आई वन प्लस आई वन टू आई वन, फुल डिस्क का मुझे पता है कितना होता है, फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से पास करने पे ऑलरेडी निकाले हैं, कितना होता है चेक करो, कुछ देर पहले निकाला 3mr² / 2 5mr² / 3 mr² / 2 डिस्क का mr² / 2 प्लस mr² इस एक्सिस के बाद, सो 2i1 इज इक्वल टू 3 टोटल मास 2mr² / 2, देखो ये 2 और ये 2 जाएगा, बात क्लियरली समझ में आई क्या, इसके बाद भी ये होगा, हालांकि इसमें मैं क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं, तुम लोगों को याद होगा कुछ बच्चों को एमए बैच में पढ़ाया है, इसके बाउट होता है mr² / 2 ये पता है, और बच्चों इसके अबाउट निकालना है, सारे बच्चे ध्यान देखो, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, हालांकि नीट वाले इतना डेप्थ में जाकर नहीं पूछेंगे, बट पूछ भी सकते हैं, अगर कहा जाए इसके अबाउट mr² / 2 मुझे पता है हमने निकाल लिया, इसके अबाउट निकालना है, तो ये दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, आई इक्वल टू ICM mr² / 2 प्लस md² बच्चों ये हो जाएगा 3mr² / 2 रिजल्ट तो करेक्ट है, अभी हमने बताया है, बट क्या ये मेथड करेक्ट है, क्या ये मेथड करेक्ट है कनिष्का, क्या गड़बड़ी है प्रिया पाटिल, क्या सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, ये बच्चों सेंटर ऑफ मास में तो ये और ये में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग, हालांकि आंसर करेक्ट आ गया, हालांकि कैसे करेक्ट आया, क्या है राइट वे तो हमने बता दिया, ये इतना इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूं और तुम लोगों को भी पढ़ा दिया, इतना प्यार करता हूं तुम लोगों से, तुम लोग मन से पढ़ते नहीं हो यार, लेकिन अब अगर सवाल मैंने पूछ दिया बच्चों की एक्सिस के अबाउट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ऐसा सवाल पूछूंगा आगे SHM में करवाऊंगा, ऐसा सवाल SHM में करवा क्या करवाऊंगा, SHM शायद तुम्हारा हो गया ही चल रहा है, पता मैं ऐसे सवाल दूंगा कि एक डिस्क है इसको यहां पे हिंज कर दिया, इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा, व्हाट इज द टाइम पीरियड, एंड फॉर दैट ये भी सवाल आ सकता है, यहां पे हिंज कर दिया ऑसिलेट कर रहा, सभी पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारे तो SHM कंप्लीट कर दिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड, चूंकि अभी बहुत सारे बच्चे ये नहीं पढ़े थे इसलिए सर इतना डेप्थ में मैं भी नहीं गए होंगे, या बता दिए होंगे कि क्या कंसेप्ट है, तो ऐसे सवाल तुम कर सकते हो, मैं करा दूंगा इसको,
अभी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है बच्चों, क्या करेंगे इसके अबाउट बताएं, इसके अबाउट क्या दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें? नहीं नहीं, एनी आइडिया क्या करना बच्चों निकालना तो इसके अबाउट? तुम कहोगे सर आप वही वाला मेथड यूज करो अपना, एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो। अगर इस डिस्क का इसके अबाउट आई वन है बच्चों तो क्या इसका भी आई वन होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा। अगर इसका आई वन है तो इसका आई टू अलग होगा, होगा कि नहीं? इसके अबाउट आई वन रहेगा बट इसके लिए तो ये दूर आई टू बड़ा हो जाएगा, आई टू विल बी मोर देन आई वन इजंट इट? क्योंकि इसमें मासेस दूर है तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि आई वन प्लस आई टू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू फुल डिस्क, ये सही है बट आई वन इज इक्वल टू आई टू नहीं है। इसका मास m, इसका मास m, तो 3 बाय 2 इंटू 2 एम आर स्क्वायर, दिस इज करेक्ट? Can we say that the I2 जो हो जाएगा that is more than half of this? 3m r square by 2 से greater होगा और I1 जो होगा वो less than 3m r square by 2 होगा, इतना हम बता सकते हैं बच्चों? But what will be the I1? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकाला तो पहले ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेते हैं और इसके इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और फिर इससे ये निकल जाएगा, जब ये निकल गया फिर इसके इसके बीच में लगाएंगे, इसके इसके बीच में। सो यू हैव टू अप्लाई टू टाइम्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। यार ये तो मैं भूल गया, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे होता है देखते हैं किसको याद है। तन्मय सिरोरे, यस सात पुते, कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस क्या है? टू आर बाई पाई या फोर आर बाई थ्री पाई? आयुष कहाँ हो तुम? डिस्क है, एच बाई थ्री कैसे होगा? आयुष भी नींद में है, हाफ डिस्क। फोर आर बाई थ्री पर, फोर आर बाई थ्री पर। सीएम हो जाएगा यहां से एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम इंटू फोर आर बाई थ्री पाई का स्क्वायर। आई वन अगर निकालना है बच्चों तो लिखेंगे आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, डी मतलब अलग हो जाएगा, आई सी एम लिख लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा टफ है, इतना टफ मेडिकल में नहीं पूछेगा बट तुम्हें तो केवीपीवाई भी तो देना है, एनएससीपी देना है, ये सब में पूछेगा और नीट में भी पूछ सकता है, क्या पता पिछले बार इतना किरकिरी हुआ है कितना इजी सवाल पूछा है, किस बार थोड़ा टफ पूछ दे तुम्हारे वाले में। और प्लस एम डी कितना लिखो बच्चों? डी ये है आर माइनस फोर आर बाई थ्री पाई का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, फिर इसका जो तोड़ लेते हैं तो प्लस एम आर स्क्वायर
प्लस ये इंटू ये करोगे और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस एम इंटू टू ए बी आर इंटू फोर आर बाय थ्री पाई इंटू टू, दैट इज इक्वल टू थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस एट एम आर स्क्वायर अपॉन थ्री पाई। बच्चों ये देखो कैलकुलेशन सही किया क्या, लेक्चर है क्या तुम लोगों का, बस दो तीन मिनट और लूंगा एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश। अच्छा ऐसा सेंटर ऑफ मास भी पढ़ाया था, मान लो एक डिस्क है और डिस्क से क्या करते हैं इतना मास कट करके निकाल लेते हैं और किसी एक्सिस के अबाउट पूछे किसके अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस ले लिया सपोज टू आर, है ना, और फॉर द टाइम बीइंग इसका मास मान लेते हैं एम। ये डिस्क कटा हुआ तब मास है एम, पूछा जाए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है, तो क्या करो इसमें सोचो कि हमने किसी से ना ये डिस्क मान लिया, मांग लिया कटा हुआ पार्ट और लाके पुट कर दो, सेम सरफेस मास डेंसिटी का आइडेंटिकल किए कंप्लीट यूनिफॉर्म डिस्क बन जाए, इसका मास m, तो इसका मास m डैश क्या होगा, कैन यू टेल मी, ओके सेम सरफेस मास डेंसिटी का ऐड किए हैं तो बोलोगे कि सर इसका सरफेस मास डेंसिटी m जो हो जाएगा m अपॉन I into 2R का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया और इसका डेंसिटी भी सेम ही है एम डैश डिवाइड बाय इसका एरिया कितना है, तो यहां से बच्चों आ जाएगा एम डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम बाय थ्री। ऐसे भी देखोगे ये शेडेड पार्ट व्हाइट से जो है वो थ्री टाइम्स ज्यादा है इससे, फोर टाइम्स नहीं थ्री टाइम्स, इफ दिस हैज मास m दिस विल हैव मास m बाय थ्री। या कभी कभी ऐसे सवाल भी होता है बच्चों, ये दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा कैसा पूछा है, पूरे डिस्क का मास m है और ऐसे कट कर लिया पूरे डिस्क का मास m है तो इसका मास रहेगा m बाय फोर बिकॉज ये वन फोर्थ एरिया है इस पूरे से, टोटल मास अगर m है तो इसका m बाय फोर और इसका हो जाएगा थ्री एम बाय फोर, यू कैन चेक इससे ये वाला टर्म थ्री टाइम्स ज्यादा है, वही चीज यहां भी है। इसके बाद निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट वी विल डू, डिस्क हमने रख दिया, दिस इज सिस्टम वन और दिस इज सॉरी दिस इज बॉडी वन दिस इज बॉडी टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी टू दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई, आई हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय टू, टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों फोर एम बाई थ्री इंटू आर स्क्वायर बाय टू। I1 निकालना है बच्चों, I1 नहीं पता, क्या I2 पता है, यस इसके अबाउट पता है, I2 कितना है 3 बाय 2, इसका मास है बच्चों m बाय 3। अच्छा यहां पे गड़बड़ किया, इसका रेडियस 2r है, 2r का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पे गड़बड़ कर दिया, और इसका रेडियस कितना है r, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर
अब आई वन यहां से निकल जाएगा। आइडिया मैंने बता दिया, बाकी तुम्हें सॉल्व करना है कैसे करते हैं। सेंटर ऑफ मास भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, बाकी हम लोग डाउट सेशंस में लेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हमने पूरा डिस्कस कर दिया, दो लेक्चर्स लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस था ये।